सोनीपत में आठवां दिन भी लिपिक कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी। हेलीपिको क्लर्क ने मिनी सचिवालय के सामने स्थायी टेंट लगाकर आंदोलन को तेज किया है। अलग अलग विभिन्न के सैकड़ों क्लर्क कार्यालय का काम छोड़कर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं, जिससे सरकारी ऑफिस का काम बाधित हो गया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, इन लिपिकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर उनकी मांग नहीं मानी जाए तो एक बड़ा फैसला लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा। वहीं लिपिकों के इस आंदोलन के चलते सरकार का भी कहीं ना कहीं नरम रुख दिखाई दे रहा है। उनकी मांग है कि सरकार से मिलने वाले वेतन 19,900 रुपए से बढ़ाकर 35,400 किया जाना चाहिए। वहीं प्रत्येक विभाग में क्लर्क की हड़ताल से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। क्लर्क का ऐलान है कि 2024 के चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये या तो जाग जा, नहीं तो भाई ये आंदोलन इतना छोटा नहीं रहा। आप चाहे हमें अनशन करना पड़ो या मरण अनशन करना पड़ो, हम यहाँ से हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे। और मैं अपने साथियों आप लोगों को अपनी तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप साथियों ने जरूरत हो, जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं अपने विनोद ग्रुप यहाँ भाइयों में अपने जुबान करता हूँ, अगर ये आंदोलन चलता रहा हम अनशन छोड़ देंगे भाई। तो धरना स्थल पर इन साथियों के साथ कर्मचारी एकता 35,400 लेकर आएंगे, 35,400 लेकर आएंगे। इस गूंगी बेरी सरकार को CAWS जिला कोऑर्डिनेटर हूँ सोनीपत का जी। और हमारी ये बेसिक पे है क्लर्क की अभी 19,900 है, 35,400 की डिमांड है। और हमारी डिमांड ये आज से नहीं है, हमने ये CAWS बनाया है तो 2.5-3 साल से हम इसी मुहिम में लगे हुए हैं। और हमारी जो ये मांग है ये कार्य के अनुसार मांग है हमारी। हम 1957 में हमारा वेतन मान जेई MPSW फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर JBT टीचर इन सब से ज़्यादा होता था और हमारे काम की समीक्षा नहीं की थी, जबकि हमारा काम हमने RTI और कोर्ट के माध्यम से पता किया, उसमें जवाब दिया सरकार ने आपका काम डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग है। लेकिन सरकार हमसे डिजिटल होने के बाद कंप्यूटर का टेस्ट अनिवार्य कर दिया हमारे लिए, वो 1 साल का हमारे हाथरौंज का डिप्लोमा कंप्यूटर का ले रही है, +2 विद 60% या ग्रेजुएट हमारा रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया रख दिया है। लेकिन हमारे काम की समीक्षा अभी नहीं की है। विभिन्न पोर्टल चला रहे हैं जैसे HRMS, Family ID, E-Salary, सरकार से हम अपने काम के बदले 35,400 की सम्मानजनक वेतनमान की मांग है हमारी। और ये हमने मजबूरी में ये हड़ताल करी है, जब सरकार ने हमारी सुनवाई नहीं। हमने पहले DC साहब को 22 के 22 के जिलों में हमने ज्ञापन सौंपे थे, फिर उसके बाद MLAs को, फिर हमने 18 जून को करनाल में रोष प्रदर्शन किया था, 15,000 क्लर्क मिनिस्ट्रियल स्टाफ वहाँ पहुँचा था। लेकिन सरकार ने हमको 4 जुलाई तक का समय दिया था कि आपकी बातचीत हो जाएगी और आपकी मांगें मान ली जाएगी। सरकार ने इतना हमारे पर जाती गया कि हमारे को बातचीत का भी नौता नहीं दिया, बातचीत के लिए बुलाया नहीं। तो हमने मजबूरन 5 जुलाई से यह अनिश्चितकालीन हड़ताल की और अभी भी सरकार ने इस बारे में कोई संज्ञान नहीं लिया है। लेकिन साथियों में जोश बढ़ता जा रहा, मैं मीडिया के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूँ कि हरियाणा की जनता को इतना नुकसान हो रहा है कि लोग काम के कारण भटक रहे हैं, और जल्दी से 35,400 की मांग को मान लिया जाए और हम भी जनता का काम करेंगे, वापस उसी ताकत के साथ कार्यालय में काम करेंगे जिस दिन से 35,400 की हमारी मांग मान ली जाएगी। ठीक है, हाँ जी, एजुकेशन डिपार्टमेंट से और हम यहाँ सभी साथी 5 तारीख से धरने पर बैठे हैं और हमारी मांग केवल और केवल 35,400 है जो हम यहाँ से लेकर ही जाएंगे। और जो फिलहाल हमारा वेतनमान है वो तो बताने लायक भी नहीं है। और मैं मेरी
अपने संदेश, अपने साथियों का संदेश, मेरी महिला साथियों का संदेश सरकार तक पहुंचाना चाहती हूँ। आज 8वां दिन हो चुका है, फिर भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। कोई भी नुमाइंदा आज तक हमसे बात करने तक नहीं आया है, किसी ने ये तक नहीं पूछा है। 8वें दिन होने के बावजूद भी हमसे ये नहीं कहा गया है, कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। और मैं सरकार को ये कहना चाहती हूँ, जब तक हमें 35400 नहीं मिलेगा, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं, हम अपने कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं। 35400 लेकर ही हम यहाँ से। अगली रणनीति क्या रहेगी अगर सरकार मांगे नहीं मानती तो? देखिए, अभी तो हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमारा धरना शांतिपूर्वक चल रहा है सभी साथी। और मैं सरकार को चाहूँगी कि वो स्वयं धरातल पर आकर देखे कि लिपिक वर्ग एक रीढ़ की हड्डी है, हर डिपार्टमेंट की, वो खुद आकर देखे। अगली रणनीति तो सरकार को स्वयं पता चल ही जाएगी आने वाले समय में, अगर वो हमारी मांग को नहीं सुनते हैं। मांगे आपकी? वर्ग से हमारी मांग है 35400 बेसिक कर दी जाए, क्योंकि 19900 है सबसे कम ग्रेड जो है ना हरियाणा में लिपिक वर्ग को दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। कोई हमारे नोटिस में नहीं आया है, अगर फिर भी आपने बताया है तो हम जो है ना एक एक साथी को यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं और सभी साथी आ भी रहे हैं। सभी का अपना अपनी जिम्मेदारी के लिए जो है ना हमने कहा है, सबकी अपनी जिम्मेदारी, सभी साथ दे रहे हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।